नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी न्यूज चैनल में। कृषि तथा सरकारी योजनाएं और दैनिक भाव जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए देखते हैं अपनी यह स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग कॉन्कॉल में आपका स्वागत है। आज 11 जून, कल के सेशन में हमने कॉटन कॉम्प्लेक्स में फिर से एक अच्छा खासा प्राइस मूव आते हुए देखा। हमने देखा कॉटन के प्राइजेस में शॉर्ट कवरिंग के चलते प्राइजेस 16,500 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं कपास में एक मिलाजुला ट्रेड था, हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा 1,050 के ऊपर कॉटन के प्राइजेस, कपास के प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, ये थोड़ा कंसर्निंग है। वहीं हमने अगर कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो जैसे कल हमने कहा भी था कि प्राइजेस अगर 2,240 के ऊपर जाते हैं तो ही हम तेजी देख पाएंगे, अदरवाइज मार्केट में एक गिरावट का रूप ले सकते हैं। इंटरनेशनल फैक्टर में भी हमने देखा कि कॉटन के प्राइजेस में कोई बड़ा उछाल आता हुआ नहीं दिखाई दिया। प्राइजेस 60 सेंट के करीब जरूर है, बट सेंटीमेंट धीरे धीरे डाउन होते हुए जा रहे हैं, जिसके चलते भी प्राइजेस में हमने दबाव देखा। थोड़ा बहुत कॉटन को सपोर्ट भी मिला जिस ढंग से सीआई ने रिड्यूस किया है अपना एनुअल प्रोडक्शन एस्टीमेट, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। साथ में हमने देखा कि फार्मर्स इन नॉर्थ जोन, अगर हम राजस्थान हरियाणा पंजाब की बात करें, यहाँ पे अराइवल्स थोड़े से बढ़े हैं, जिसके चलते भी प्राइजेस में थोड़ा सा हो सकता है अपसाइड, थोड़ा कैप रहेगा। कॉटन सीड ऑयल केक में हमने जो गिरावट देखी वो एक टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं हम लोग। जिस ढंग से थोड़ी बहुत अपडेट ये भी आ रही है कि मॉइस्चर कंटेंट बढ़ते जा रहा है, और ओवरऑल टेक्निकली भी हमने पहले भी कहा था कि जब तक लॉन्ग टर्म अभी भी थोड़ा जून एंड तक की बात करें तो तेजी का ही रुख है, बट 2240 का घर तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन के लिए ध्यान रखिए, अगर 2240 का लेवल कॉटन सीड ऑयल केक तोड़ता है तो हम एक गिरावट देख पाएंगे, एक तेजी देख पाएंगे, नहीं तो मार्केट 2180 का लेवल तोड़ने से 2120 तक का भी लेवल कॉटन सीड ऑयल केक में आज हम देख पाएंगे। धन्यवाद।